एक तरफ सरकार देश भर में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ाने के लिए चल रहे किसान आंदोलन से घिरी है, वहीं दूसरी ओर छोटे वन उपज यानी MFP की खरीद मूल्य को बढ़ाने की मांग भी उठने लगी है। केंद्र सरकार ने पिछले साल MFP के मूल्य देश भर में घटा दिए थे। साल 2006 में आए वन अधिकार कानून के अनुसार MFP यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में लकड़ी के अतिरिक्त हर तरह की पौधोपज शामिल है, जिसमें बांस, टसर, कुकून, शहद, मोम, लाख, तेंदुपत्ता और केंदु, औषधीय पौध आदि आते हैं। देश भर के जंगलों में रहने वाले आदिवासी जंगलों से इन्हें इकट्ठा कर बेचते हैं और अपनी जीविका कमाते हैं। देश का किसान तो एकजुट होकर आवाज उठा रहा है, लेकिन देश भर के सुदूर जंगलों में बिखरे आदिवासी MFP के घटे दामों से परेशान तो हैं, लेकिन बेबस हैं। नुकसान से आदिवासियों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2013-14 में 12 तरह के MFP उत्पादों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया। इन उत्पादों के बाजार को विकसित करने की योजना भी शुरू हुई, जिसके तहत केंद्र सरकार को योजना में आने वाली लागत का 75% हिस्सा देना होता है। इस योजना का देश भर के आदिवासियों ने फायदा उठाना शुरू ही किया था कि साल 2016 में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस योजना के नियमों को बदल दिया। सरकार ने 14 नए उत्पाद तो सूची में जोड़ दिए, पर जरूरी उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी कटौती कर दी। जैसे लाख की MSP 57% की गिरावट के बाद 230 से 100 रुपए पर आ गई है। बहेड़ा की MSP 27% कम हुई है, इमली में 18%, महुआ में 9% और चिरौंजी में 40% की गिरावट आई है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार MFP जंगलों पर निर्भर आदिवासियों, खासकर भूमिहीन आदिवासी लोगों की आय का 20 से 40% हिस्सा है। कई समुदाय तो अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से ही MFP पर निर्भर होते हैं। सरकार का कहना है कि उन्होंने MSP इसलिए घटाई है ताकि राज्य सरकारों को घाटा ना हो। सरकार के अनुसार 2014 के निर्देशों के हिसाब से योजना में लगने वाला खर्च काफी ज्यादा था, जिसे राज्य सरकारें पूरा नहीं कर पा रही थीं। आदिवासियों की हितैषी दिखने को आतुर सरकार ने आदिवासियों के लिए इतनी जरूरी योजना में अचानक क्यों बदलाव कर दिया? इससे उनकी मंशा पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। साधिका तिवारी, गो न्यूज़।